अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर मंडी शहर के सिरीमंच पर किसान सभा सीटू जनवादी नौजवान सभा और बल बचाओ किसान संघर्ष नीति द्वारा दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के उपाध्यक्ष परशुराम ने कहा कि दिल्ली में किसान तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पिछले 8 दिनों से संघर्षरत हैं और सरकार अभी भी तीन कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताने का दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान कोरोना महामारी से ज्यादा खतरनाक इन तीन कानूनों को मानते हैं, इसलिए तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग पर किसान संघर्षरत हैं। परशुराम ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि तीनों कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुलाकर निरस्त किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जो देश के किसान मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के ऊपर बनाए गए केस भी वापस लेने की मांग उठाई है। धरने में मौजूद संगठनों ने फैसला किया कि अगर किसानों की बात को नहीं माना गया तो फिर आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के समर्थन में सभी संगठन आंदोलन को तेज करेंगे। इस धरने प्रदर्शन में सीटू के जिला सचिव राजेश धर्मानी, जनवादी नौजवान सभा के सचिव सुरेश सरबाल, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के सचिव नंदलाल वर्मा और कार्यकर्ता राजेंद्र ललित, लेखराम वेदराम, लेखराम गोपेंद्र मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिला संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में किसानों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को जिस प्रकार से केंद्र की सरकार दबाने का प्रयास कर रही है या जिन बिलों के बारे में किसान आज लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनका दुष्प्रचार आज भी केंद्र की सरकार कर रही है और ये बता रही है कि किसान हितैषी हैं, जबकि किसान ये कहता है कि इनको निरस्त किया जाए तीनों कानूनों को, और इसके साथ साथ जो बिजली बिल 2020 है उसको भी वापस लिया जाए। ये जो कानून है ये किसी भी हालत में किसानों को मंजूर नहीं है। जो 1 दिसंबर को बैठक बुलाई थी केंद्र सरकार ने, ऐसी उम्मीद थी कि शायद कुछ रास्ता निकलेगा, मगर केंद्र की सरकार उस दिन कोई रास्ता निकालने में नाकामयाब हुई है। आज फिर बैठक है, हमें उम्मीद है कि सरकार इन तीनों बिलों को संसद का विशेष सत्र बुला करके इनको निरस्त करेगी और किसान के लिए जो कानून चाहिए, जिसे किसान मांग करता है, उस प्रकार का कानून बनाएगी। अगर इस अन्यथा ये चूक करती है सरकार, तो ये आंदोलन जो है, जिस प्रकार का दिल्ली का किसान लगातार 4-5-6 महीने या सालों की तैयारी करके संघर्ष के लिए बैठा है, उसमें सारे के सारे संगठन शामिल होंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे। ये जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीतियां अपनाए हैं, अगर इनको वापस नहीं लिया जाता तो यह सरकार को इसी प्रकार से दिल्ली में किसानों के साथ बैठ करके संघर्षरत होंगे।